हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाईबिट पे अकाउंट किस तरह बनाते हैं, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना क्योंकि फिर बाद में आपको समझ आएगी कि किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं। सही है, चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम बाईबिट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर गेट स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ साइनअप पर क्लिक करके अभी हम साइनअप करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर से करेंगे। तो अपना जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का कोड और अपना नंबर लिख लें। सही है, फिर अपना पासवर्ड लिख लें। पासवर्ड लिख कर फिर रेफरल कोड ऑप्शनल लिखा हुआ था, अगर कोई आपने आपको रेफर करा है तो उसका आईडी लिख लें, अगर नहीं तो फिर साइनअप पर क्लिक करके। तो अब इंटेलिजेंट वेरीफिकेशन आ जाएगा, इंटेलिजेंट वेरीफिकेशन करके तो फिर यहाँ पर फ़ोन वेरीफिकेशन कोड आएगा अभी। तो फ़ोन वेरीफिकेशन कोड आके यहाँ पर कोड लिख कर नेक्स्ट करके सेट पैटर्न लॉक आएगा। तो अगर आपने करना है तो सेट पैटर्न लॉक लगाने, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं ट्राई लेटर कर दूँगा, ठीक है, बाद में लगाऊँगा। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें देखे, NFT हो गया, Web3 हो गया, रिवॉर्ड हब हो गया, अन कैशबैक हो गया, कोई प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद है इस ऐप में। इसमें ये देखे डिस्कवर, हेडलाइन, सिग्नल टूल वगैरह भी मौजूद है। अब हम होम पेज पे आएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करके। अब हम यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करके फिर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंट परमिट लिखा होता है तो हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे आईडी अपलोड रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं तो आईडी रिक्वायरमेंट अब हम इसको देंगे। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ वाइल यूजिंग एप्लीकेशन अलाउ करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करके अब ये थोड़ा लोडिंग करेगा। अब यहाँ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अब ये कह रहे हैं सेलेक्ट द कंट्री वेयर योर आईडी डॉक्यूमेंट वाज इशू, ठीक है। तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करके फिर यहाँ नीचे सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट टाइप, तो ये रेजिडेंशियल परमिट, पासपोर्ट या आईडी कार्ड, तो हम आईडी कार्ड पे क्लिक करके फिर आईडी कार्ड का फ्रंट पेज लेकर डॉक्यूमेंट इज रीडेबल पर क्लिक करेंगे। फिर हम बैक पिक्चर लेंगे आईडी कार्ड का, फिर ये फेस का स्कैनिंग करेंगे, तो फेस का स्कैनिंग करके ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आइडेंटिटी वेरीफिकेशन चेक करेंगे, तो ये देखिए ऊपर इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, सही है। अब थोड़ा वेट करेंगे, अब ये ऐप को दोबारा ओपन करेंगे। तो ओपन करके फिर प्रोफाइल पे जाएंगे, तो प्रोफाइल में भी ये देखिए आइडेंटिटी वेरीफिकेशन पे क्लिक करके हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह पामान।